4 जुलाई से भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन का शुभारंभ हो चुका है। विशेष रूप से इस माह में सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में शिव पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और सत्कर्म करने वाले अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। भगवान आशुतोष सावन में सिर्फ एक लोटा जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के शिवलिंग का महत्व बताया गया है, जिनका अभिषेक करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार के शिवलिंग के पूजन से क्या फल मिलता है। पार्थिव शिवलिंग। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में समस्त कष्ट दूर होकर सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने वाले शिव साधक के जीवन में अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है एवं भगवान शिव के आशीर्वाद से धन धान्य सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोने का शिवलिंग। अगर आप धन संबंधी समस्याओं से काफी परेशान हैं या बहुत प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही तो आपको सोने से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे आप पर शिव जी की कृपा होने के अलावा मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती रहेगी, साथ ही आर्थिक तंगी से भी आप छुटकारा पा जाएंगे। चांदी का शिवलिंग। अगर आप चाहते हैं कि कभी भी धन धान्य की कमी ना हो तो चांदी से बने शिवलिंग की पूजा करें। भगवान शिव की कृपा से आपको जीवन में सुख साधनों की प्राप्ति होगी। पीतल का शिवलिंग। मान्यता है कि जो भक्त पीतल के शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही रुद्राभिषेक भी कराते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है। मनुष्य के हर तरह के दुख दर्द और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। क्रिस्टल का शिवलिंग। स्पाटिक यानी क्रिस्टल से बने शिवलिंग की भी पूजा की जाती है, जिससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है एवं कार्यों में सफलता मिलती है। सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति को मनवांछित फल जरूर देते हैं। इसलिए आप सावन के महीने में भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा आराधना करें, शिवालय जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा जरूर करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।